हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ऑफ एमएच। आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों को एनको एखन स्कॉलरशिप विषय कम जी स्कॉलरशिप तुम एप्लाई करिले 50,000 75 हजार लेके टका तुम लोग पा पारा जो स्कॉलरशिप पा तेहले वीडियो तुम लोग सम्पूर्ण रूप चाबा और ये 100% रियल स्कॉलरशिप है। तुम लोग वीडियो सम्पूर्ण रूप चाले कथाखिनि धुनिया के गम पा जा स्क्रीन हूँ तुम लोग देखा पासा स्कॉलरशिप कर्पी स्कॉलरशिप HDFC बैंक परिवर्तन ECESS प्रोग्राम 2024-2025 HDFC बैंकर तरफर यह स्कॉलरशिप रिलीज कर विषय मैं आगते भिडिओ बनाई और आज मैं तुम लोग रिमाइंड कर दु विचार जीत स्कॉलरशिप बेसि समय ना एप्लाई कर गति के भिडिओ तुम लोग सम्पूर्ण रूप चाबा मैं कथाखिनि धुनिया के बुझा दीम जिस सकते स्किप कर ले हम और जिस नतुन आजा सम्पूर्ण रूप भिडिओ चाबा स्कॉलरशिप तीन केटेगरी माने भाग करा हुई से एटा होल क्लास वानर पर 12 लेके एप्लाई करिबो पारिबो आरो एटा होल अंडर ग्रेजुएट पढ़ी थका छात्र छात्रियों के लिए एप्लाई करिबो पारिबो आरो एटा भाग होल जिसको निकी पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ी आसे हे सकले एप्लाई करिबो पारिबो। तो मैं जी अंडार ग्रेजुएशन केटेगरी आसे हेतु मैं देखाई दिब बिचारो तुम लोगक प्रथम तार पास तुम लोग चाह लबा स्कॉलरशिप तुम लोग सार्च कर ले पा जा देखा पासी तुम लोग देखा पासी HDFC बैंक परिवर्तन ECS प्रोग्राम फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मेरिट कम नीट बेस्ड 2024-2025 इत कौन एप्लाई कर तुम लोग इलिजिबिलिटी जो तुम लोग चाह विचार तेहले व्यू डिटेल्स क्लिक कर लगे व्यू डिटेल्स क्लिक कर पास तुम लोग इलिजिबिलिटी देखा पासा इत जिस निकी BA/BSc बिकम पढ़ी आस MBBS LLB BTech पढ़ी आस BA/BSc नार्सिंग पढ़ी आसे सको एप्लाई पड़े स्कॉलरशिप मानने प्रिवियास तुम लोग जी एग्जाम तुम लोग दिशा जिस निकी BA/BSc पढ़ी आसा सक निश्चय SS पास करा सर पार्सेंटेज कि हम लगे 55% हमें तुम लोग एप्लाई पारा और तुम लोग फेमिली इनकम 2.5 लाख मानने कम हम लगे बेसि हमें तुम लोग एप्लाई ना और तुम लोग देखा पासा प्रिफारेन्स उल वि गिवेन दोज एप्लिकेन्ट्स हू हेव एक्सपीरियंस पार्सनेल फेमिली क्राइसिस जिस निकी फेमिली मानने तुम लोग मानने इकोनमिकली प्रब्लेम आसेक बेसि प्रिफारेन्स पा और ये स्कॉलरशिप कार्य दिया ओपेन टू इंडियन नेशनल्स ओनली जिस निकी भारत स्टूडेंट है सकते एप्लाई पार तुम हमें एप्लाई पारा कौर प्रब्लेम ना तुम लोग देखा पासा फर जेनेरल ग्रेजुएट स्टूडेंट जिस निकी BA/BSc पढ़ी आस नर्मेल सकते 30,000 पा और जिस निकी प्रफेशनल क्या कोर्स कर MBBS LLB हूँ BA/BSc नार्सिंग हूँ सकते कि पा 50,000 स्कॉलरशिप आवेदन कर ले पा जा स्कॉलरशिप हो जाए तुम लोग डकुमेंट्स देखा पासी इतना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगे प्रिवियस इयर मार्कशीट लगे आइडेंटिटी प्रूफर कारण तुम लोग आधार कार्ड लगे वोटर आईडी हम हम ड्राइविंग लाइसेंस हम हम करेंट इयर एडमिशन प्रूफ तुम लोग लगे एडमिशन रिसिप्ट तुम लोग लगे और जिस निकी एप्लिकेन्ट्स बैंक पासबुक लगे तुम लोग बैंक पासबुक लगे तुम लोग जाना इनकम प्रूफ तुम लोग लगे तुम लोग इतना दिया तुम लोग इनकम प्रूफ इश्यूड बाय SDM DMCO तुम लोग ग्राम पंचायत तुम लोग जी इनकम प्रूफ तुम पा सीखन दिल हम प्रब्लेम ना प्रूफ अफ फेमिली पार्सनेल क्राइसिस जो तुम फेमिलीत क्या प्रब्लेम आसोर जो क्या प्रमाण आसे तुम लोग दु पारा कौन प्रब्लेम ना एप्लाई के लगे ये विषय इतना धुनिया के उल्लेख कर तुम लोग इतना देखा पासा मैं देखा दी तुम लोग अलमान पढ़ी लबा के एप्लाई लगे ये पढ़ी तुम लोग धुनिया के कथा गम पा जा और जो तुम एप्लाई ना जो पारे तार ऊर गई तुम लोग स्कॉलरशिप एप्लाई पारा एप्लाई लास्ट डेट हूँ 30 अक्टोबर बेसि समय ना तुम लोग इतना देखा पासा एप्लाई लास्ट डेट 30 अक्टोबर बेसि समय तुम लोग ना तो तुम जो इच्छा करा तेहले स्कॉलरशिप आवेदन पारा इतना समय आस बी दो केटेगरी हम तुम लोग देखा पासा जिस निकी पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ी आसे स्कॉलरशिप एप्लाई पारे कौन प्रब्लेम ना इतना देखा पासा स्कूल स्टूडेंटर कारण आसे स्कूल स्टूडेंट मानने कोने कोने पारे क्लास वानर पर 12 लेके जिस पढ़ी आसे एप्लाई पारे कौन प्रब्लेम ना जिस निकी स्कूल पढ़ी आसे तुम लोग 18,000 तुम लोग टका पा पारा और क्लास वानर पर 6 लेके 15,000 टका पा कबले गए बहुत डांगर एट स्कॉलरशिप है तुम लोगों तुम लोग इच्छा करा स्कॉलरशिप एप्लाई पारा कौन प्रब्लेम ना एतिया लास्ट डेट बाकी आस और जिस निकी अलरेडी एप्लाई करा तुम लोग कमेन्ट कर नपहर और जिस एप्लाई करा ना तुम लोग एप्लाई पारा कौन प्रब्लेम ना तुम जी केटेगर एप्लाई विचरा तुम लोग बार्थडे फर स्टाडी जी वेबसाइट आस तक तुम लोग HDFC बैंक जी स्कॉलरशिप आए सार्च कर ले पा जा सार्च कर तुम लोग चाह लो पारा तुम जी केटेगर एप्लाई विचरा सैन केटेगर की तुम लोग इलिजिबिलिटी
লাগিব সেইটো তোমালোকে নিজে চেক কৰিব পাৰিবা। তুমি এই ৱেবছাইটটো আহি চেক কৰিব পাৰিবা। তোমাৰ আশা কৰোঁ কথাখিনি ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা। মই আগতে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যিহেতু এতিয়া সময় খুব কম আছে, সেইকাৰণে মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আকৌ ৰিমাইণ্ড কৰি দিছোঁ যিসকলে নেকি এপ্লাই কৰা নাই সেইসকলে যাতে এপ্লাই কৰে। তো মই আশা কৰোঁ কথাখিনি বুজি পাইছা। ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে সকলোৱে চাব পাৰে, যিহেতু এইটো এটা ডাঙৰ অপৰচুনিটি যাতে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো এইখিনি, লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।